केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना लागू होने के बाद केंद्र सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। ये का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे भ्रम की बात करें तो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, नहीं तो निर्वासित कर दिए जाएंगे। सच्चाई क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एक और भ्रम, असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे कि पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और उनकी भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। सच्चाई क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सीएए कानून से कोई नुकसान नहीं है। एक और भ्रम, सीएए देश के लिए खतरनाक है। सच्चाई क्या है? इस कानून का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। ये उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। फिर एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीएए से घुसपैठ बढ़ेगी, और सच्चाई क्या है? नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। नागरिकता के लिए आवेदन इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।